हेलो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मैं मोज़िला ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, मोज़िला फायरफॉक्स, और यहाँ मोज़िला ओपन है मेरा, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मोर्फो की डिवाइस है वो आयुष्मान भारत पे वर्क कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप आयुष्मान भारत पे या फिर आप CSC के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं मोज़िला फायरफॉक्स पे यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको मालूम हुआ कि एक स्पेसिफिक डाउनग्रेड करना पड़ता है, बटन डाउन करना पड़ता है, उसके बाद इसमें हमें जावा स्क्रिप्ट लगा के या फिर मोर्फो रन किया जाता है, या फिर मोर्फो रन होता ही नहीं था, हमें क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे एरिया का CSC के डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं मोज़िला फायरफॉक्स CSC के यूज कर सबसे बेस्ट ब्राउजर है यूज करने के लिए CSC से जुड़े सारे काम के लिए। तो लेकिन CSC में इस प्रोजेक्ट में मोर्फो काम ही नहीं कर रहा इस पर, तो मैंने मोर्फो डिवाइस को क्रोम पे यूज करने के लिए अनेकों वीडियो बनाए, चैनल मिल जाएगा, लेकिन मोज़िला के ऊपर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो आज का ये वीडियो स्पेशली मोज़िला फायरफॉक्स पे जितने भी CSC के काम है, चाहे आप PMG जिधा हो, आयुष्मान भारत हो, या फिर ICICI, या फिर आपके BC पॉइंट हो, सबको रन कर सकेंगे। चाहे फिनो हो, जो भी एप्लीकेशन आपको रन करते हैं, सारे के सारे रन कैसे करेंगे कुछ सिंपल स्टेप में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना एक भी प्ले स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपने मिस किया तो हो सकता है आपका रन सब कुछ हो जाए लेकिन मोर्फो डिवाइस रन ही ना करे। तो चलिए वीडियो को लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उस पर सर्च करना होगा मोज़िला फायरफॉक्स और मारना होगा इंटर। उसके बाद आपको पहला लिंक से मोज़िला फायरफॉक्स या फिर आप जैसे डाउनलोड कर सकते हो उससे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने नीचे डिस्क्रिप्शन जो चेक करें, डिस्क्रिप्शन में एक मोर्फो ड्राइवर का लिंक मिल जाएगा जो TW नाम से फोल्डर में जिप हो, इसे एक्सट्रैक्ट कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर्फो का हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये वाली है 2.0.1.34, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको अपने कंप्यूटर में मोर्फो इंस्टॉल कर लेना है। अगर पहले से आपके मोर्फो इंस्टॉल है कंप्यूटर तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो जब फाइनली आप मोर्फो को इंस्टॉल कर लोगे एंड रिस्टार्ट लेटर फिनिश करोगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, डिवाइस हैज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं आता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको मोर्फो इंस्टॉल करना नहीं आता। तो इंस्टॉल कैसे किया जाए मोर्फो के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें या एंड स्क्रीन वो वीडियो दे दूंगा जिसे मोर्फो डिवाइस को सक्सेसफुली बिना कोई एरर के किसी विंडोज 7 हो, 8 हो या फिर 10 इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अब हमारा मोर्फो नॉर्मली इंस्टॉल हो चुका है। अब अगला प्रोसेस हम क्या करेंगे, आपको जाना अपने सी ड्राइव में। अपने सी ड्राइव आने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है मोर्फो RD सर्विस L0SOFT, इसमें जाना। इसमें जाने के बाद आपको कॉन्फिगर CONFIG सेटिंग के अंदर जाना, जो यहाँ से पांचवा ऑप्शन आपको ऊपर से मिल जाएगा एंड इसे ओपन करना। और यहाँ पे ख्याल रखिए कम्युनिकेशन मोड नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसे 1 रहेगा जो कि बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, इसे आपको 1 को हटा के यहाँ 0 कर देना है। और इसे फाइल को कंट्रोल एस या फिर मेन्यू से आपको सेव कर लेना। सेव करने का सिंपली आपको विंडो पे टैप करना और लिखना है servicess.msc, आप आधा भी लिखोगे ऑप्शन दिख जाएगा इस प्रकार से, इंटर मारना है। जैसे इंटर मारोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाए, छोटे छोटे सेकेंडरी बने हुए, किसी एक पे क्लिक करना और इंस्टेंटली टाइप करना M के साथ O, MO, यहाँ मोर्फो RD सर्विस आप इंस्टेंटली पहुंच जाएगा और यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लेना है। इतना काम आपको कर ही लेना है, नहीं करोगे आपका काम ना क्रोम पे और ना ही मोज़िला फायरफॉक्स, दोनों में किसी भी नहीं काम करेगा आयुष्मान भारत को यूज करना चाह रहे स्पेशली। तो अब हमारा ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मोर्फो का सेटअप यहाँ हमारा डन हो चुका। अब हमें सेटअप करना है अपने ब्राउजर को। क्रोम ब्राउजर मालूम हो आपको कि क्रोम ब्राउजर में आप यहाँ पे फ्लेक्स के अंदर जाते हो और अलाउ इनवायरलेस लोकल होस्ट को ऑन कर लेते हो फ्लेक्स के अंदर, इस चीज को सेम इसी चीज को ऑन कर, लेकिन फायरफॉक्स में कुछ सेटअप अलग टाइप का। तो हम उस चीज को, आप चलिए फायरफॉक्स ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें, ओल्ड वर्जन डाउनलोड ना करें। यहाँ पे कोई भी जावा स्क्रिप्ट इसी जावा को रन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली यहीं से कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने फायरफॉक्स ब्राउजर के ऊपर। तो हमने ओपन किया अपना मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउजर। अब जैसे जैसे मैं स्टेप करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। इससे पहले जो मैंने स्टेप बताया उसे भी आप जरूर पूरा कर ले, अगर कुछ मिसिंग करते हो तो आपका वर्क नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले राइट में आपको सेम क्रोम के तरह एक 3 डॉट लाइन मिलेंगे, उस पर क्लिक करना है। आपको आना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद जस्ट आपको लेफ्ट साइड में जनरल होम सर्च एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, हम चौथे ऑप्शन पे जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हिस्ट्री का, आपको ये रिमेंबर हिस्ट्री है शायद, आपका रिमेंबर हिस्ट्री पर हो, इसे नेवर रिमेंबर हिस्ट्री पे आपको क्लिक करके रखना है सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करके। हो सकता है आपको रिलॉन्च मांगे
तो आप एक बार ब्राउजर को लॉन्च रिलॉन्च करके फिर से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे भी और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको परमिशन के सेक्शन के अंदर ब्लॉक एंड पॉपअप विंडो, इसे आपको टिक लगा रहे जिसे अनचेक करके आपको हटा देना है। ये सारे प्रोसेस आप कंप्लीट कर लोगे, सबसे टॉप पे जहाँ पे आपका सर्च बार होता है यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट टाइप करना जो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप कॉपी करके पेस्ट करके भी कर सकते हो। https for secure, इसे कॉलन बोलते हैं हम लोग, दो बार //, इसके बाद local लोकल host, फिर कॉलन देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर 111 00 ये डालना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए, और मारना है इंटर। अगर ये मारने का ऐसा ऑप्शन शो करता है वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड, अगर ये आ रहा है तो आपका सब कुछ सही है, आपका काम करने को सब कुछ तैयार है, यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप मोर्फो का सेटअप करने के बाद पहला चीज मोर्फो सक्सेसफुली इंस्टॉल होना चाहिए, पॉपअप आना चाहिए डिवाइस रेडी टू यूज करके या रजिस्टर सक्सेसफुली करके, उसके बाद कम्युनिकेशन मोड के अंदर जाके 1 से 0 कर दें जैसे मैंने वीडियो में बताया हो। ये सब करने के बाद आप एडवांस पर टैप करेंगे और नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके एक्सेप्ट रिक्स एंड कंटिन्यू पे हम टैप कर देंगे, जैसे टैप करेंगे आपका डन हो गया। अभी जो हमने प्रोसेस किया ये मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर, ये सेम प्रोसेस लोकल होस्ट क्रोम के ऊपर जो हम लोग अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट को जो इनेबल करते हैं सेम प्रोसेस किया, लेकिन इसका कुछ डिफिकल्ट टाइप से करने का प्रोसेस तो हम यहाँ पे इस प्रकार से एक्टिवेट किया, आपको कोई भी जावा ब्राउजर की जरूरत है। अब हम चलते हैं अपने PMJ आयुष्मान कार्ड के ऊपर, चेक करते हैं हमारा मोर्फो डिवाइस रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको CSC ID लॉगिन करनी होगी, पहले से लॉगिन होगा तो हो सकता है आप डायरेक्ट रिडक्ट कर जाओ वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन कर लिया था, आपको यहाँ पे लॉगिन मेरे को मिल रहा है, आपको यहाँ से फर्स्ट फिंगर जो ऑथेंटिकेट होते हैं आपके आधार बेस पे वो लॉगिन होगा, उसके बाद आप जाओगे सर्च बेनिफिशियरी के अंदर, एंड यहाँ पे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट की जगह आप सेक्शन नेम सर्च टैप करोगे और आधार का ऑप्शन चूज करोगे एंड अग्री देन प्रोसीड, एंड उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट मोड है। अब यहाँ पे जैसे हम टिप करेंगे फिंगरप्रिंट डिवाइस वेट, एंड हमारा यहाँ पे MSOE2 करके ये शो कर गया। अब यहाँ पे आप आधार नंबर डालकर एंड कैप्चर बायोमेट्रिक आप टैप करोगे, आपका डिवाइस कैप्चर ले भी लेगा और डिटेल वहाँ पे जो भी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर के ऊपर है इंस्टेंटली मोर्फो डिवाइस CSC के जितने इंपोर्टेंट काम होते हैं उनके लिए रेडी है काम करने के लिए। अब कुछ लोग इशू आती है जब वो आयुष्मान भारत के ऊपर सेटअप कर लेते हैं तो उनका DGPATC नहीं खुलता है, तो सिंपल सा अगर नहीं खुलता था तो वही करना है, आपको सी ड्राइव के अंदर जाना है फिर से, एंड वहाँ मोर्फो सॉफ्ट लॉग इसके अंदर ये जो है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना है, इसको क्लिक करके बस यहाँ जो 0 है कम्युनिकेशन मोड इसे काट के 1 कर देना है, 1 किया कंट्रोल एस या सेव किया और सर्वी टू MSC में आके मोर्फो को रिस्टार्ट कर देना है, डीजी पे काम का चालू हो गया, लेकिन आयुष्मान भारत अब बंद हो जाएगा। फिर से यूज करना है तो बस 0 और 1 कम्युनिकेशन मोड को 0 1 करो और फाइल में जाके service.msc में जाके मोर्फो RD सर्विस को रिस्टार्ट करो, बस इतना ही करना है। आप आपको क्रोम की तरह एक बार फ्लैक्स सेट कर दिया, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र के ऊपर एक बार सेट कर दिया, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका डिवाइस जब तक आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं करते या फिर मोजिला उड़ान देते तब तक कंटिन्यू रन करता रहेगा बिना कोई इशू का। अगर कभी कोई इशू आती है तो PC और रिस्टार्ट जरूर कर ले। तो ये था पूरा का पूरा सेटअप कि कैसे हम मोर्फो डिवाइस को मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर यूज करके रन करके इजिली CSC के जितने भी काम है उसको बिना कोई इशू के कर सकते हैं। मैंने बता दिया मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर किस प्रकार से मोर्फो की सेटअप किया जा सकता है, तो उम्मीद है इस वीडियो देखने के बाद आप जरूर सेटअप कर पाए होंगे। तो वीडियो में मैंने आपका बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पता है, वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर मिला होगा, वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद या फिर आपके जो इश्यूज थे वो जरूर रिजॉल्व हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कुछ आपके राय प्रॉब्लम पड़ता अभी तो नीचे अपनी राय कमेंट करें, सुझाव को कमेंट करें। आप इस वीडियो में देखने के बाद अगर नहीं हो रहा था डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपका पेड स्टूडेंट सिस्टम मिल जाएगा बाय एनी डेस्क, डिपेंड ऑन योर इश्यूज आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा करवा सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो बताइए, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर करें, चैनल पहली बार नया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं और फ्रेंड्स वीडियो साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।